हाँ? क्या हम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकते हैं? बस कुछ दिनों के लिए। अभी तो हमारा हनीमून शुरू भी नहीं हुआ, आप जाने की बात कर रहे हैं। आज की रात के लिए हमने एक खास जगह चुनी है, आपके साथ कुछ खास पल बिताने को। देखिए, आपके राजा ने अपनी रानी के लिए कितना सुंदर हवा महल तैयार करवाया है। आइए। ये क्या है? राजा की रानी को एक छोटा सा तोहफा। आप जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आइए। रेडी सर, रेडी। आइए सर, मैं चलो चलो दूर बैठो। राजस्थान के विपिन मारवा की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। अपने जीवन का एक लंबा पड़ाव अकेले पार कर चुके विपिन मारवा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो इन खुशियों को यादगार बना पाते, किसी ने उनकी हत्या कर दी और उनकी हत्या के तुरंत बाद उनके साथ जयपुर घूमने आई उनकी पत्नी भी गायब हो गई। क्या विपिन मारवा की मौत और उनकी पत्नी का इस तरह से गायब हो जाना एक सोची समझी चाल थी? क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध था? कौन था वो शख्स जो विपिन मारवा पर नजर रखे हुए था? क्या विपिन मारवा की मौत एक हादसा था या फिर एक साजिश? साहब, मारा बेटा केशव की खबर मिली के साहब? देखो काका, थे घना बुजुर्ग आदमी, क्यों रोज रोज यहां पर आकर अपना टाइम खराब करते हो और मेरा टाइम खराब करते हो? जिस दिन थाको बेटो पकड़ में आ जाओ लो ना, थाने अपने आप पतो लाग जाओ लो। और वैसे भी आपके बेटे ने जो काम किया है ना, उसकी सजा तो उसको 7 जन्म में भी देनी पड़ेगी। अभी आप यहां से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। क्या हुई हो केशव का कुछ पता चले? दरोगा जी ढूंढ रहा है। वह कह रहा है कि जियाई मिल जासी, सबसे पहले आपा ने खबर कर सी, आप लोग केशव मिल जासी। हेलो, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, कहाँ मिलना है? सर, ये रही विपिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक विपिन की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, पर गले पर तो कोई निशानी नहीं मिले हैं सर। शायद किसी ने मुंह पर तकिया रखकर विपिन को मार डाला। आदित्य। हाँ सर। अब तक हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता चला। रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर मैंने चेक किया, पूरे रिसॉर्ट में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है जिसके जरिए हमें उसकी बीवी के बारे में कुछ पता चलता। रिसॉर्ट के अंदर रात में रुके लोगों से और नाइट शिफ्ट के स्टाफ से मैंने पूछताछ की थी, किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं था सर। रिसॉर्ट के रजिस्टर में विपिन ने पता क्या लिखवाया? सर अजमेर।
जी आपके बगल में जो घर है विपिन शर्मा का, उनके साथ कोई और रहता था? वैसे तो सर इस घर में हमेशा ही ताला लगा रहता था। अब विपिन भाई तो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, पर हाँ साहब पिछली बार जब वो आए थे तो उनके साथ एक औरत थी, शायद जिसके साथ विपिन भाई ने शादी की हो। आपने उस औरत का चेहरा देखा था? नहीं साहब, वो तो हमेशा ही घूंघट में रहती थी। एक आध बार बात करने की कोशिश की थी पर वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर विपिन भाई हमेशा उनके साथ रहते थे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय। सर जब से विपिन की मौत हुई है उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आदित्य उसकी बीवी मोबाइल तक लेकर गई है और इसके पड़ोसी से बात करके ऐसा लगता है कि जैसे विपिन को भी उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। 45 साल का था, अकेला, हो सकता है 20-22 साल की लड़की देखी और झटपट शादी कर ली। लेकिन उस औरत के लिए ये शादी नहीं बल्कि एक प्लान था, विपिन को बर्बाद करने का प्लान। एक काम करो। हाँ सर। विपिन के मोबाइल के पिछले एक हफ्ते के सारे डिटेल्स निकालो, वो कहाँ कहाँ गया, किससे मिला। अगर हमें ये पता चल गया तो शायद हमारे हाथ कुछ बहुत बड़ा सुराग लग सकता है। ठीक है सर। विपिन हनीमून पे था, वो जरूर कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस पे गया होगा। उन जगह की सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है हमें वो लड़की दिख जाए, या हो सकता है शायद कोई और हो जो इनके बारे में कुछ जानता हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। दिमाग से लेकर दिल तक की नसों में अब खून नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही नाम दौड़ता है। हाँ ठीक है, ओके थैंक्स। सर विपिन का मोबाइल जयपुर में एक्टिव था, लोकेशन हवा महल, अल्बर्ट हॉल जैसे एरियाज थे, फिर उसके बाद वो रिसॉर्ट गया। हवा महल के लोकल पुलिस वालों ने हमें बताया है कि हवा महल के पास में एक शॉप है जिसके सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ ऐसी फुटेज मिली है जिसमें विपिन के साथ जो लड़की थी वो साफ दिख रही है। फौरन उस सीसीटीवी फुटेज को मंगवाओ। ठीक है सर। इस गेट पे जूम करो, फौरन इस वीडियो से इस लड़की की तस्वीर निकालो और उसको चारों तरफ के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। और हाँ, ये भी पता करना कि इस लड़की के खिलाफ कोई केस तो नहीं दर्ज है किसी और थाने में। ठीक है सर। भाभी, भाभी आई बन्ना। ओहो, ये बात है। बस बस एक मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा के इस कलश को गिराओ और घर में गृह प्रवेश करो। इतनी खूबसूरत दुल्हन कहाँ से चुरा लाए मन्ना? भाभी चुराया तो इसने था, पहली मुलाकात में मेरा दिल। अच्छा? सिरोही में पहली बार मिला इससे। अच्छा। जब वो प्रॉपर्टी वाले काम से गया था। हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर्टी के उस काम में तो मुझे नुकसान उठाना पड़ा भाभी। हुँ? लेकिन भगवान ने मुझे पूजा देकर मेरी जिंदगी के हर नुकसान की भरपाई एक ही बार में कर दी भाभी। अरे बस बन्ना, तुम पे तो मजनू का ही भूत सवार हो चुका है, अब बस खड़े खड़े बातें करने की इसको आराम भी करने दोगे भाई? भाभी आप भी ना। सर, राजवाड़ा पुलिस थाने से खबर आई है कि उस लड़की का नाम काजल है जिसने कई लोगों को लूटा है और बचा हुआ सामान बटोर कर फरार हो गई है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसने अपने पहले पति की भी हत्या की है।
अरे बन्ना उठ भी जाइए। बन्ना, दो लोगों को जोड़कर एक नई जिंदगी देने वाली शादी की परंपरा अब लोगों से उनकी जिंदगी छीनने का कारण बनती जा रही थी। इन सभी केसेस में अलग अलग नाम तो सामने आए थे, लेकिन इन सब के पीछे चेहरा एक ही था। आखिर कौन थी ये काजल जो लोगों को अपना शिकार बना रही थी, और कौन था ये शख्स जो लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था? इन सारे सवालों के जवाब रजवाड़ा में जयपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। सर, इस काजल की तलाश तो हमें काफी समय से थी। काजल की शादी यहीं राजवाड़ा में प्रताप सिंह के साथ हुई थी, पर प्रताप और काजल का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। एक दिन काजल अपने घर से बाहर निकलती है, पर प्रताप को उस पर शक था, जिसकी वजह से वो काजल का पीछा करना शुरू करता है, और पीछा करते करते वो पास ही के जंगल में जा पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि काजल अपने प्रेमी केशव के साथ में कुछ आपत्तिजनक हालात में मिलती है। वो गुस्से में आकर काजल को उल जलूल कहने लगता है, और यही नहीं सर, इसके बाद केशव पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को आग लगा देता है। उसी दिन से ये दोनों फरार हैं। अब काजल अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाती है, उन्हें विश्वास दिलाती है, और बाद में उनसे शादी कर लेती है, और केशव की मदद से उनकी हत्या कर उनका सारा सामान लूट कर भाग जाती है। हेलो, क्या इस लड़की को? ये लड़की लोगों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती है, और फिर करती है शादी, और फिर बना डालती है सुहाग रात को मौत की रात। इस कुकर्म में इस लड़की का साथ देता है इसी का बॉयफ्रेंड। अगर कहीं भी ये लड़की दिखाई दे तो इसके भोलेपन में ना फंसे, बल्कि नीचे दिए गए नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचित करे। केशव आपका बेटा है? जी सर। कहीं कोई खबर मिली? तुम आए ना, जा पानी ले रहा, मैं बात करूं यहाँ से। पर इन्होंने केशव के बारे में पूछा है, कुछ पता चला केशव को? देखिए माँ जी, हमें भी आपके बेटे की तलाश है। उसने कई लोगों का खून किया अपने साथी काजल के साथ मिलकर। देखो साहब, मारो बेटो केशव और काजल एक दूसरे से प्रेम करे साहब। मैं कोई मंदिर में जाकर शादी कर ली साहब, क्योंकि काजल का घराड़ा है ना साहब, बेबी की शादी केशव से करवा में आना कानी कर रहा साहब। उसने कभी आपसे मिलने की कोशिश की या कभी फोन किया? अगर फोन करते या मिलते तो मैं थाना के इतना चक्कर थोड़ी काटता साहब। मानो तो इतना ही पता है कि कड़े दूर शहर में चला गया साहब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करवाने। फिर साहब एक दिन मैं देखो कि वो प्रताप के साथ शादी कर रही है साहब। प्रताप एक नंबर को सूदखोर है साहब, और भी को बाप मंगत साहब वो भी एक नंबर को सूदखोर है। घना पीसा भरो पूरा परिवार है पीसा है साहब। हाँ ये तो मैंने पता है साहब कि प्रताप से भी को नातो ही हो साहब। नाता? नाता राजस्थान की एक ऐसी प्रथा जो कुछ समुदाय के लोगों के भले के लिए बनाई गई थी, जिसमें कम उम्र में विधवा बनी औरतों की दोबारा शादी हो सकती थी, किसी गलत रिश्ते में फंसे परिवार को बचाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये प्रथा तो बदली ही, इससे जुड़े लोग भी बदलते गए। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बेधड़क इस प्रथा के नाम पर औरतों की खरीद फरोख्त की जाती है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं, कई समुदाय हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, और इनकी शुरुआत इंसानियत की भलाई के लिए ही की गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे काम में गलत मकसद ढूंढ ही लेते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस केस में। सिरोही गांव के मैंने सब लड़का का घरवाला है ना साहब, पीसा देर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर सके साहब। फिर वह जी भी उम्र की लड़कियों ने साहब बीस में शादी कर ले साहब। अये प्रताप और काजल को भी नातो हो साहब। साहब एक दिन एक आदमी मरकन आयो, केशव ने प्रताप को खून कर दियो। प्रताप को खून कर दियो साहब केशव। अब मारो बेटो खून ही कोनी साहब। साहब माँ का घर के मायने तो खाने पीने में भी शुद्ध शाकाहारी है साहब। माँ के घर में तो मच्छर मारो भी पाप है साहब।
मारो बेटो, कोई को खून को नहीं कर सके साहब। देखिए, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी होने और दिखने के फर्क को पहचानना हमारा काम है, और आपका बेटा जो कर रहा है, एक बाप होने के नाते आप सुन नहीं सकते, और कानून की नजर में सब एक है। जिस दिन आपका बेटा हमारे हाथ आ गया, उस दिन कानून का फंदा उसके गले में होगा। साहब मारो बेटो निर्दोष है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। चलो साहब, मारो बेटो निर्दोष है साहब, मुझे छोड़ दो, मारो बेटो निर्दोष है साहब। आप उठिए, चलो। तुमने मेरे बच्चे का हाथ क्यों जलाया? मुझे नहीं करना कोई काम, नहीं करनी कोई शादी। हैसियत और हौसला दोनों काबू में रख, वरना तेरी सांसें बेकाबू कर दूंगा मैं, समझी? मेरी बोली हर बात पत्थर की लकीर हो गए है, और इस लकीर को पार करने की कोशिश अगर तूने की तो तेरे लाडले का सर किसी पत्थर से कुचल दूंगा मैं। चल। काका, किसी संदीप को जानते हैं आप लोग? जानते हो किसी संदीप को? ऐसा भी है, जमींदार संदीप का घर कहाँ होगा? कौन संदीप? अगर हमें काजल के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें बहुत कुछ साफ हो सकता है। सर, क्यों ना हम काजल के माँ बाप से मिले, शायद ये मुलाकात कई रास्ते पर्दे उठा दे। चलो। साहब, आप बात बिल्कुल सांची है कि मैं वहां की बेटी काजल को ना तो प्रताप से करे हो, पर जब से आज तक मैं काजल से मिला तक को नहीं था। तो आप उससे अब तक नहीं मिल पाए, और यहीं आपके गांव का एक शख्स करण उससे मिलता है, यहीं के मंदिर में उससे शादी करता है, आपकी बेटी उसे जान से मार देती है। ये सब कैसे हो गया बावर जी? आपका गांव तो 5 सड़कों में खत्म हो जाता है, इनमें से कोई भी रास्ता आपको अपनी बेटी तक लेकर नहीं गया। मैं आपका साची कह रहा हूँ, मैं काजल से बिल्कुल नहीं मिला, और यो करण, करण नाम तो मैं आपका मुंडा तो सुन रहा हूँ साहब। मैं साहब आप मैं बता रहा हूँ कि काजल को चेहर हो, मैं जस से कोने देखे हो जैसे वो प्रताप ने मार कर और केशव का साथ भाग नहीं गई। चलिए, हम आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, पर ये बताइए कि ये संदीप कौन है? संदीप? संदीप कौन है सर? कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आप यही मनाना कि हमें वापस आने की जरूरत ना पड़े। चलो। झांको, पुलिस वाला आया था, मैं थाने कह रही हूं कि थोड़ा दिन के वास्ते शांत हो जाओ। बड़े बड़े धमाकों के पहले छोटी मोटी चिंगारियों पे ध्यान नहीं देते। अब तक जो मिला वो तो फुलझड़ी थी, इस बार ऐसा खेल होगा कि पूरी दिवाली मनेगी दिवाली। ये मौका हमारे हाथ में ना हमारी किस्मत में आया है, इसे मैं इसी तरह जाने नहीं दूंगा। हाँ साहब, इंतजाम हो गया है, छोरी बहुत चौको है, ख्याल रखेगी सर। ऐसी लड़की की जरूरत है मुझे। हाँ भाई, वैसे ही ढूंढी है जैसे थारो को चाहिए थी। बाकी आप नाते के पैसे का इंतजाम रखो, जल्दी उसे लेके आपके गांव आता हूँ। अरे जल्दी से जल्दी आ जाओ, पीसा तो तैयार ही पड़ा है, चिंता क्यों करो हो। पैसे और लालच की नींव किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं होने देती, बल्कि उसे खोखला बना देती है। अक्सर कुछ लोग रिश्तों को बनाने से पहले इस ताक में रहते हैं कि आगे बनने वाले रिश्तों से वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और वहीं अगर ऐसे लोगों के हाथों में नाता प्रथा जैसी व्यवस्था लग जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इस व्यवस्था का दुरुपयोग यहां भी हो रहा था, लेकिन कौन थे वो लोग जिनका चेहरा अभी सामने आना बाकी था? पर बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुलने वाली थी। ले जाओ, पेपर तैयार करवाओ। सर,
गांव में तैनात हमारे कांस्टेबल से दो बातें पता चली है। पहला तो ये है कि काजल के माँ बाप ने प्रताप के पिता मंगस से काफी पैसा ब्याज पे ले रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने काजल की शादी प्रताप से कराई। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि काजल का एक बेटा भी है, प्रताप से नहीं बल्कि उसके पहले पति केशव से, जो से प्रताप के साथ हुई शादी से पहले ही हो चुका था। मुझे पहले से ही काजल के परिवार वालों पर शक था। मुजरिम के साथ साथ उसे बचाने वाला भी बराबर का भागीदार होता है। वक्त आ गया है इस जुर्म से उनकी भागीदारी खत्म की जाए। कहाँ है वो साहब? आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं कहीं कौन करूँ साहब? मैं कहीं कौन करूँ? कांस्टेबल, मैं कहीं कौन करूँ साहब? मैंने तो कहते कटे, मैंने हवालात में बताया कि किसने क्या किया। चलो मैं उम्र ज्यादा है आपकी, तजुर्बा भी ज्यादा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जरा भी झूठ बोले और आपको दर्द भी ज्यादा हो, इसलिए जो भी पता है बिल्कुल सच सच बताओ। आपने बच्ची ने पचापा का रखे थे बाबा, कहीं कहीं नहीं कर सके साहब। मैं काजल ने शहर से वापस बुला लिया, केशव का साथ रहता हुआ 2 साल हो गया था। वो केशव का साथ खुश कौन हुई, मैंने पतो लागो केशव से उनके एक बच्चों भी है। मेरी उन्हें प्यार से समझाया कि बेटा केशव और बी का साथ गुजारा हुआ दिन भूल जा और प्रताप सो नयो ना तो कर ले, जिसो मारो मारो कर्जो उतर जाए। मैंने तो इतने बेरो है साहब कि केशव प्रताप ने मारकर जला दियो साहब और काजल ने अपने सागे ले गयो साहब। हमें इतने पता है साहब कि आगे मैंने कहीं कौन बेरो साहब। तुम्हारी बेटी की वजह से कईयों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया, अब तक वक्त और किस्मत दोनों तुम्हारी बेटी का साथ दे रहे थे, लेकिन कानून ना वक्त को मानता है ना उसके हाथों में किस्मत की लकीर है जिसके आगे वह झुक जाए। तुम लोग जा सकते हो। मुझे लगता है कि ये केशव ही है जिसने काजल का सौदा करण के साथ किया है संदीप बनकर, और फिर इसी ने उसे विपिन के पास भी बेचा होगा। मुझे पूरा डाउट है कि हर बार केशव ही काजल को बेचता है और नाते के पैसे ले लेता है और फिर जानबूझकर उन लोगों को मार देता है ताकि काजल उसके पास वापस आ जाए, जिससे वो अगला खेल खेल सके। सर मैं एक काम करता हूँ, सारे विक्टिम्स की कॉल डिटेल चेक करता हूँ। जैसे इन सबके बीच में काजल एक कॉमन कड़ी है, वैसे ही शायद हमें कोई कड़ी या कोई नंबर मिल जाए जो हमें इनके गिरेबान तक पहुंचा दे। मैं जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अब ये सब और नहीं करना है। इन सब में जितना हाथ मेरा है ना उतना साथ तेरा भी है। और एक बात तो तने बताना ही भूल गया मैं, कि साथ देने वाले की सजा बड़ी होती है, हैं? इस बात को याद रखियो। चल भाग यहाँ से, भाग। अच्छा ठीक है, हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक है अभी रखता हूँ फोन। ठीक सर, हमारा निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। सारे विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर कॉमन है और विक्टिम को कॉल शादी के 2-4 दिन पहले ही किए हुए हैं, हालांकि बातों की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आदित्य, कई बार बड़ी बड़ी बातें कम शब्दों में ही की जाती। इस वक्त वो मोबाइल कहाँ है? सर अभी नंबर स्विच ऑफ है। इस नंबर का एड्रेस निकलवाओ और इस नंबर और इस फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। बेटा, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी जैसे हर बार आ जाती है। मम्मा आपने किसी को मारा तो नहीं है ना? टीवी पर दिखा रहे थे। नहीं बेटा, मम्मा ने किसी को नहीं मारा। मम्मा जो कुछ कर रही है सब आपके लिए कर रही है। मम्मा वो लोग आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे ना मुझसे दूर? नहीं बेटा, मम्मा को कुछ नहीं होगा। मम्मा बस यूं गई और यूं वापस आ जाएंगी, है ना? तब तक आप बैठ करके टीवी देखो।
आदित्य आसपास के घरों में पता करो, हो ना हो उन्हें यहाँ जरूर देखा गया होगा। एक्सक्यूज मी, आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ सर, मैं यही रहता हूँ। ये कॉर्नर वाला फ्लैट किसका है? ये कॉर्नर वाला फ्लैट तो प्रताप भाई का घर है। आपने इन दोनों को यहाँ पे आते जाते देखा है कभी? हाँ सर, मैंने इस लड़की को तो यहाँ हमेशा आते जाते देखा है, पर मैंने इस लड़की को कभी यहाँ पे आते नहीं देखा। थैंक यू। आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल ने प्रताप के इस एड्रेस का गलत फायदा उठाकर केशव को सिम कार्ड दिलवाया हो? हो सकता है सर। एक काम करो, हाँ मैं फौरन प्रताप के घर चलना होगा, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस पते पर कौन कौन आता था। ठीक है सर। ले चाल, मैं तने मारी हवेली दिखाऊं। अब तो तू मारी जोरू है, सारी हवेली तने घुमा ले आयो, पर हवेली को खास कमरो है वो जो तने दिखावा ने ले आयो हूं। लाजा, इके मैंने मारी सारी जिंदगी कमाई है, इको ध्यान तने राखनू है। आ मारी जिंदगी कमाई है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। शाबाश, बहुत अच्छी बात। आदित्य, ये दूसरा आदमी कौन होगा काजल के साथ? जो आदित्य, हाँ सर, फौरन पड़ोसी को फोन लगाओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, आप आपके बेटे प्रताप के जयपुर वाले घर पे कौन कौन आता जाता था? जयपुर वाला घर? अरे साहब, मेरे बेटे का तो जयपुर में कोई घर हो ही नहीं सकता। अरे जयपुर तो क्या, उसका तो कहीं भी घर नहीं हो सकता। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, क्योंकि धंधे में इतना नुकसान हुआ था ना। नुकसान? हाँ साहब, मेरे बेटे को दारू पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी, बात बात में गुस्सा करने लगा था। उसकी इसी आदत के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो भी मैंने काजल से उसकी शादी करवा दी। उसके घर वाले भी इसलिए तैयार हो गए थे कि मैंने सोचा उनका कर्जा माफ कर दूंगा। मैंने सोचा था साहब शादी के बाद सुधर जाएगा। अरे क्या जरूरत थी उस केशव से उलझने की, आखिर मार दिया ना उस केशव ने मेरे बेटे को। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। एक बार फिर से सोच लो, पक्का याद है? हाँ साहब पक्का, यही था वो आदमी। वाह जी वाह, यहां बैठे पैसे गिने जा रहे हैं। कहां से आए पैसे? आशा करता हूं कि आप आपकी जुबान से वही निकलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं। साफ साफ बोलो, पैसे कहां से आए? काजल कहाँ है? ले चलो इन्हें, हवालात में सारी हवा निकल जाएगी। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब, हमारी बात। अरे तू भैया, तेरा भूत है ये, सबकी नजरों में तो तू बोल्ड हो चुका है। अब मैं तुझे अपनी बैटिंग दिखाता हूँ, ले जाओ इन दोनों को। चल। और आपको शादी का ज्यादा शौक चढ़ रहा है, आपके इस शौक ने आज आपकी जिंदगी ले ली होती अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते। आगे से कोई भी गलती करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर गलती का संबंध 100 से है। 100 नंबर याद है ना? मेरे को मारो। तू तो बड़ी चालाकी से अपना काम कर रहा था, वो तो तेरी किस्मत थोड़ी खराब निकली। उस सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही मैंने तेरा चेहरा देखा। आदित्य, इस गेट पे जूम करो। उसी समय सारा माजरा समझ गया था, और जब तेरे उस जयपुर वाले पड़ोसी को मैंने तेरी फोटो दिखाई
सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। गौर से देखो, यही आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था वो। गुनाह करने वाला कितने भी कदम आगे हो, कानून हमेशा उससे दो कदम आगे होता है। तूने ये सोच कैसे लिया कि ये सब करके तू बच जाएगा? बोल साहब, तब मारे को सूद ब्याज के धंधा में घना नुकसान पहुंचा। पिताजी को यही लगने लगा था कि मैं किसी काम का नहीं। काम करने काज का ढाई से इलाज का, निकल जा मेरे घर से, निकल बाहर निकल। पर इस काजल की शादी जब मुझसे हुई तो मुझे इसके पहले पति केशव के बारे में और इसके छोरे के बारे में कुछ ना मालूम था। ठग गए इन लोगों ने मुझको। मैंने उसी दिन तय कर लिया साहब कि इस काजल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर भूलना तो छोड़ो साहब, सांस सांस में जिएगी, सांस सांस में जिएगी। साहब मैंने काजल के घर जाकर उसके बच्चे को उठा लिया। फिर एक दिन काजल को मैंने केशव से मिलते देख लिया। काजल! फिर उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठा के मैंने उसका नाता और लोगों के साथ कराना शुरू कर दिया। मेरी इस तरकीब ने मुझे कुछ ही दिन में लाखों रुपए दिए। जयपुर वाला घर भी मैंने उन्हीं कमाए हुए पैसों से खरीदा है साहब। और तेरे उसी कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए घर ने तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं मुझे नहीं पता साहब। आपने मुझे उस नरक जैसी जिंदगी से मुक्त करा दिया। मेरे घर वालों ने और उस प्रताप ने मुझे एक दलदल में धकेल दिया था। मैं शहर से वापस गांव अपनी माँ से मिलने गई। उन पर काफी कर्ज था। माँ ने मुझसे कहा कि मैं प्रताप से शादी कर लूं तो सब ठीक हो सकता है। मैंने प्रताप से शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर मेरे घर वालों ने मुझे और मेरे बेटे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे कहा कि प्रताप से शादी के बाद मैं चाहूं तो केशव के पास वापस जा सकती हूं। मैंने प्रताप से शादी कर ली। एक दिन मैं केशव से मिली। मैंने केशव को कहा मुझे इन सब से दूर ले चलो, लेकिन उस प्रताप ने काजल, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, पर तुम्हें शुरू में ही कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तब शायद तुम्हें यह सब सहने की जरूरत नहीं पड़ती और कितने ही लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन अब तुम प्रताप के पाप के हिस्सेदार हो और पाप का हिस्सा जिंदगी को कई हिस्सों में बांट देता है। काजल, हम तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, पर यह देखने के लिए तुम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बातें पुलिस को ना बताकर तुमने कहीं ना कहीं प्रताप का साथ दिया है। इस साथ में भले ही तुम्हारी रजामंदी ना हो, पर कानून की नजर में तुम भी एक मुजरिम हो। हवलदार, बेटा खूब पढ़ना लिखना, खूब बड़ा आदमी बनना। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो अपनी मम्मा को लेने आना। लालच, ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना, ये कुछ ऐसे भाव हैं जिनकी उपज किसी भी इंसान के दिमाग को बीमार बना सकती है। प्रताप भी इन्हीं भावनाओं से ग्रसित था और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने नाता प्रथा का सहारा लेकर उसका दुरुपयोग किया। हमारा देश आज उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश अपने आप में आज कई चीजों में सक्षम कहलाता है, और वहीं हमारे यहाँ नाता प्रथा और ऐसी कई और प्रथाओं का प्रचलन भी है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो रीतियों को कुरीतियों में बदलने में देर नहीं लगती,
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।